इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और वो ये है कि बिहार में कोरोना पॉजिटिव की संख्या जो है बढ़ के अचानक 346 हो गई है। आपको बता दें कल यानी कि 27 अप्रैल को अचानक से कोरोना पॉजिटिव की संख्या में वृद्धि हो रही है और ये जो बहुत बड़ी वृद्धि हुई है वो आपको बता दें कि टोटल 69 यानी कि 69 केस जो है डिटेक्ट किए गए हैं बिहार के अलग अलग जिलों से। इस प्रकार से जो बिहार अभी तक कोरोना के खिलाफ काफ़ी अच्छे तरह से लड़ाई लड़ रहा था वो कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी क्या कुछ वजह है इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि आज कौन कौन से जिलों में केस डिटेक्ट किए गए हैं। इसकी सूची आपको हम बता देते हैं। आपको बता दें कि बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में अचानक से आज 22 केस बढ़े हैं। वहीं पटना में 6 नए केस की वृद्धि हुई है। अगर नालंदा की बात करें तो यहाँ पर एक नया पॉजिटिव केस मिला है कोरोना का। वहीं रोहतास डिस्ट्रिक्ट में 16 केसों की वृद्धि हुई है। आपको बता दें कि मुंगेर इस समय बिहार का हॉट जिला बना। इसके अलावा भोजपुर में भी 7 नए पॉजिटिव केस आए हैं। औरंगाबाद में भी 5 नए पॉजिटिव केस आए। अगर मधुबनी की बात करें तो वहाँ अब तक कोई भी केस नहीं था, लेकिन अचानक से आज ही 5 नए केस आए हैं। वहीं सारण और नवादा में भी 1-1 केस आए हैं। लखीसराय में भी 3 नए कोरोना के पॉजिटिव केस मिले। वहीं पूर्णिया में 1 और दरभंगा में 1 नए केस डिटेक्ट किए गए। इस तरह से बिहार जो अभी तक कोरोना के खिलाफ अच्छी जंग लड़ रहा था, बाकी राज्यों से काफ़ी अच्छा कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अचानक पिछले अगर एक हफ्ते की बात करें यानी कि जो लॉकडाउन में ढिलाई दी गई थी 20 तारीख को, उसके बाद से अचानक जो है कोरोना पॉजिटिव की संख्या बिहार में बढ़ी है। इसको लेके ये भी सवाल उठने लगा है कि बिहार सरकार ने कहीं ढील देने में जल्दबाजी तो नहीं कर दी। आपको मैं ग्राफ के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से अचानक केसों में वृद्धि हुई है। अब देखिए ये जो ग्राफ था 19 अप्रैल तक बराबर चल रहा था और ये अचानक से काफ़ी ऊपर चला गया है। आप इस यहाँ देख लीजिए 20 अप्रैल को अचानक से जो केस बढ़े थे टोटल 17 केस बढ़ गए थे। उसके बाद यहाँ से लगातार केसों में वृद्धि हो रही है पॉजिटिव केसों में। वापस देखिए 21 अप्रैल को 13 नए केस डिटेक्ट किए गए। अगर आप 24 अप्रैल की बात करते हैं तो 24 अप्रैल को 53 नए केस डिटेक्ट किए गए। इसके बाद वापस अगर हम 25 अप्रैल को बात करते हैं तो 28 नए केस। उसी प्रकार से 26 अप्रैल को 26 नए केस और कल यानी कि 27 अप्रैल को 69 नए केस ने पूरे बिहार में खलबली मचा दी है। बिहार सरकार को इस पर कुछ सोचने की ज़रूरत है और लॉकडाउन में जो ढील दिया गया उस पर भी बिहार सरकार को एक बार विचार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस तरह से अगर कोरोना पॉजिटिव केस बिहार में मिलते रहें तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक सिद्ध होने वाला है। तो एक बार बिहार सरकार को और यहाँ के लोगों को भी सोचना चाहिए कि इस समय जो है ज़िंदगी अहम है। और बिहार डेलीगेशन आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि कृपया आप अपने घर में रहे, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकले, और घर से बाहर अगर ऐसी ज़रूरत में निकलने की ज़रूरत भी पड़ती है तो मास्क का ज़रूर प्रयोग करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।